दरभंगा जिले के सदर थाना क्षेत्र के लक्ष्मी सागर स्थित सरस्वती विहार बैंकर्स कॉलोनी में बेखौफ अपराधियों ने लूट की घटना के दौरान एक वृद्ध शख्स को पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि गुरुवार की देर रात लगभग आधे दर्जन से अधिक अपराधी छत के रास्ते घर में पहुंचे और गृहस्वामी के हाथ पैर बांध कर उनकी जमकर पिटाई की, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस लूटपाट की घटना के क्रम में उनकी पत्नी भी घायल हो गई। वहीं घटना की सूचना के बाद नगर पुलिस अधीक्षक अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जांच में जुट गई है। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना के संबंध में जितेश चंद्र मिश्रा की पत्नी रेणु देवी ने कहा कि गुरुवार की रात के करीब 12:30 बजे 6 की संख्या में अपराधी आए। सभी अपराधियों ने मुंह पर नकाब बांध रखा था। उन लोगों की भाषा भी यहाँ की भाषा नहीं थी। वे लोग आपस में बात कर रहे थे, चाकू निकालो, भाला निकालो। वहीं उन्होंने बताया कि बदमाशों ने घर से क्या क्या लेकर वह गए हैं, इस बात की जानकारी उन्हें अभी नहीं है। अलमीरा की चाबी मांगने पे उन्होंने चाबी दे दिया था। जितने भी गहने थे सभी लेकर वह चले गए हैं। वहीं उन्होंने बताया कि उनके पोते की छठी का समारोह होने वाला था, जिसके लिए उन लोगों ने 2 लाख रुपए निकाल कर रखा था, वो भी लूट कर लेकर अपराधी चले गए। वहीं नगर पुलिस अधीक्षक सागर कुमार ने बताया कि सदर थाना क्षेत्र के लक्ष्मी सागर बैंकर्स कॉलोनी मोहल्ले में एक वृद्ध व्यक्ति की घर में लूटपाट करने के उद्देश्य से कुछ अज्ञात अपराधी घर में घुसे। पूरे घटनास्थल का भ्रमण कर फोटोग्राफी की गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं उन्होंने बताया कि जो लूट की बात सामने आई है उसमें ATM कार्ड और मोबाइल फोन ले जाने की भी बात सामने आई है। फिलहाल तमाम घटना कैसे कुछ क्या हुआ है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे के मामलों का खुलासा हो सकेगा। के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत लक्ष्मी सागर बैंकर्स कॉलोनी मोहल्ला में एक वृद्ध व्यक्ति के घर में लूटपाट करने के उद्देश्य से कुछ अज्ञात व्यक्ति घर में घुसे थे और घर वालों द्वारा विरोध करने पर एक वृद्ध व्यक्ति जतीश चंद्र मिश्र जी का देहांत हो गया है। उनकी जो धर्मपत्नी है उनको हल्का चोट है और इस घटना करते वक्त उनके द्वारा जो है कुछ साक्ष्य छोड़े गए हैं, जिसको एकत्रित किया गया है और घटनास्थल का जो है भ्रमण किया गया है, फोटोग्राफी कराया गया है, क्राइम सीन फोटोग्राफी, और इसके अलावा सबको पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है, बेहतर कार्रवाई की जा रही है। इसमें अभी तक जो सामान ले जाने की बात परिजन द्वारा बताया गया उसमें एक ATM कार्ड और एक मोबाइल फोन है, अग्रतर कार्रवाई जो है वो की जा रही है। कत्ते की संख्या में वो अपराधी सब रहे हैं, डकैत सब आदमी रहे। क्या बजे तकरीबन आना है? 12:30 बजे में घुसले। उसके बाद की सब खेल के होता है? एक लागल रहा सोजे मुकाट दोनों आदमी के दाबा लागल, हाथ में की सब रहे नहीं रहे, क्यों कहीं चक्कू निकाल, क्यों कहीं किस निकाल। तकर बाद उनका मारे तुम्हारे तू तुम को मार दलका मार दलका हमरा पर दबल को हमरा गलत चाबी ला अगले वो लो जो चाबी हमरा घर वाला के छोड़ दे कला घर वाला के जिंदे छो मार देने रहो मार देने रहो मार देने रहो कहां के मार लगा आप की देखा ना छा की नाम से जाती सन मिश्रा पूरा सब कैसे पहले देखने हो रही है की कथी वो जो लड़का सब आल ले तकरा कहियो देखनो नहीं 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 ना मुंह नहीं देखा लिए दरभंगा जिला के केवटी थाना इलाके में ननौरा गांव में पेड़ से लटका मिला एक युवक का शव, परिजनों के लोगों ने हत्या की शंका जताई है। वहीं तमाम घटना की खबर मिलते ही शव को देखने के लिए मौके पर लोगों की काफी भीड़ उमड़ पड़ी। मृतक की पहचान रंजीत कुमार राम के रूप में की गई है। तत्काल घटना की सूचना केवटी थाना को भी दे दी गई। बताया जाता है कि मृतक रंजीत कुमार राम दरभंगा जिला के केवटी थाना इलाके के खिरमा गांव का रहने वाला है और गांव घर में कंपाउंडर का काम करता था। मृतक के पिता का आरोप है कि उनके बेटे की हत्या कर शव को पेड़ से लटकाया गया है और इस हत्या के पीछे पहले से चल रहे प्रेम प्रसंग के विवाद से मामला जुड़ा है और हत्या उसी लड़की ने किसी साजिश के तहत की है,
जिससे विवाद चल रहा था और प्रेम प्रसंग के मामले में लड़की की शिकायत पर लड़का जेल भी जा चुका है। फिलहाल जमानत पे वह बाहर आया हुआ था। वहीं दरभंगा के एसएसपी अवकाश कुमार ने मौत की पुष्टि करते हुए यह जरूर कहा कि शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही यह पता चल पाएगा कि युवक की हत्या की गई है या पूरा मामला आत्महत्या का है। इसमें बताया जा रहा है कि एक आदमी की मृत्यु हो गई है, क्या मामला है सर? ये मामला अभी थोड़ा मृत्यु हुई है, ये सत्य है, बट जो हत्या है या आत्महत्या है वो चीज़ें पोस्टमार्टम आने के बाद ही। परसों की बात है, यानी दिनांक एक आज का क्या आज का तारीख है? चार तीन तारीख, एक तारीख की बात है। जो मृतक जो है लड़का, हमसे बातचीत हुई फोन से, कहा था कि बाबू जी ऐसी बात है, जो हमको जो केस हुआ था उस केस में जो जो थर्ड पार्टी जो है, जो महिला जो है, हमसे 10,000 रुपये मांगती है, अगर पैसा नहीं दे, अगर नहीं दोगे पैसा तो तुम्हें जान से मार देंगे। ये घटना हमको सूचना दी थी, इसी समय में हमको बात हुई है, सामने में बात है कि हमको जो लड़का खुद फोन से कहा था कि घटना की बात है, आज 3 तारीख को 4 बजे के उसका मर्डर हो गया हुआ। क्या लगता है आप लोगों को? मेरा प्रतीक है कि उसके जो धमकी दिया मर्डर है, मर्डर किया गया है उसको। पुलिस को आप लोग सूचना दिए थे जो धमकी मिल रहा है? पुलिस का सूचना के बारे में उनको गार्जियन को मालूम होगा, हमारा घर तो होकर लेगा, हमें जानकारी नहीं है, लेकिन जानकारी तो उनका गलत होना चाहिए। जैसे हमको बातचीत हुई थी फोन से कि पापा जी हमसे 10,00,000 रुपया मांग रहे हैं, हमको कौन मांग रहा था? कौन मांग रहा था? अभियुक्ति जो पार्टी जो केस हुई थी, महिला क्या चीज का केस था इनके ऊपर? इसका एफआईआर महिला में कोई प्रेम प्रसंग वाली केस थी, जो इसमें कुछ जेल भी गए, अच्छा जेल से आए भी, बिल पर आए भी, इस कंप्रोमाइज के लिए 10,00,000 रुपया डिमांड करी थी, नहीं दोगे तो तुम्हें हम जान से मार देंगे। बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले जिला के 5,000 आंगनबाड़ी केंद्र के 10,000 आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर 29 सितंबर से केंद्रों पर तालाबंदी कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। इसी कड़ी में आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका ने लहरियासराय स्थित धरना स्थल पर एक दिवसीय धरना देते हुए राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों के समर्थन में आवाज को बुलंद किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि इस महंगाई में मानदेय के रूप में बहुत ही कम रुपए मिलते हैं, उससे घर परिवार का खर्च चलाना काफी मुश्किल हो रहा है। अगर सरकार हम लोगों की मांगों पर विचार नहीं करती तो आगामी चुनाव में इसका परिणाम राज्य सरकार को भुगतना पड़ेगा। वहीं आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका संघ के जिलाध्यक्ष कुमारी श्वेता सुमन ने नीतीश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि नीतीश सरकार से हम लोगों की मांग है कि अन्य राज्यों की तरह हमें भी राज्य भत्ता दे, जो नियम अन्य राज्यों में लागू हुआ है वही नियम बिहार राज्य में भी लागू करे, राज्य सरकार अपनी तिजोरी का ताला खोले, नहीं तो यह हड़ताल अनिश्चितकालीन चलेगा। वहीं उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है ग्रेजुएटी लागू करने का, उसे सरकार लागू करे। वहीं उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी सेविका को 3rd ग्रेड और आंगनबाड़ी सेविका को 4th ग्रेड का दर्जा दे। जब तक सरकार हमें सारी सरकारी कर्मी घोषित नहीं करती है, तब तक आंगनबाड़ी सेविका का 25,000 और आंगनबाड़ी सहायिका का 18,000 रुपया मानदेय लागू करे। साथ ही आंगनबाड़ी सेविकाओं को पर्यवेक्षिका में प्रमोशन करे। इन 5 मांगों को लेकर हम लोग 29 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। सभी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका कामकाज को ठप कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हमारी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका बहन 55 दिवस से लेकर 55 दिवस का काम करती है, लेकिन सरकार हमारी मांगों को अनसुना कर रही है, इसलिए हमारी बहनें सड़क से लेकर संसद तक का लड़ने को तैयार है, जिसका देन नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार से हमारी मांग है कि अन्य राज्यों की तरह हमें भी सम्मान देते हुए राज्यकर्मी का दर्जा दे। फोर्थ ग्रेड में लागू नहीं करते हैं, ग्रेजुएटी नहीं लागू करते हैं, अन्य राज्यों की तरह राज्य भत्ता हमें नहीं दी जाएगी, तब तक हम लोग अपना आंदोलन जारी रखेंगे, सड़क से लेकर के सांसद तक लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। सभी दरभंगा जिला की तमाम आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों 7 नवम्बर से लेकर के 10 नवम्बर तक विधानसभा में डेरा डालने का काम करेगी। जब तक सरकार ये नहीं मानेगी, अंधी पहाड़ी सरकार, तब तक हम लोग लड़ाई को जारी रखेंगे, आंदोलन अपना जारी रखेंगे। आप एक नया दे रहे थे, इतना से कम नहीं, क्या था वो? इतना 6,000 में दम नहीं, 18,000 से कम नहीं। तो क्या वेतन क्या मांगे से? राजकर्मी का दर्जा, राजकर्मी का दर्जा दे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों को, पेंशन लागू करे और
ये सरकार हमें थर्ड ग्रेड सेविकाओं को थर्ड ग्रेड, सहायिकाओं को फोर्थ ग्रेड में सरकारी कर्मी का दर्जा दे, और जब तक सरकार नहीं दे रही है ये सब मांगे तब तक सेविकाओं को 25,000 मानदेय, सहायिकाओं को 18,000 मानदेय लागू करें। अभी जो आई हुई आंगनबाड़ी की सेविका सहायिका ये कहाँ कहाँ से, पूरे जिला से? पूरे दरभंगा जिला की तमाम आंगनबाड़ी सेविका सहायिका 7,000 हमारी बहने आज आंदोलन में धरना स्थल पोलो मैदान में बैठी हुई है। वो 5 सूत्री मांग नहीं है, आपका अपना अधिकार है, और वो जो अधिकार है उस अधिकार को देने में कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ये सत्य की मांग है। और अभी मैंने बोला सत्य में वो जैसे तो भारतवर्ष के हम लोग हैं, और जहाँ पे कहा जाता है यत्र नार्यस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ नारियों की पूजा होती है वही देवता वास करते हैं। तो अभी आप सभी नारियाँ जिस युद्ध रूप से अपने कार्य क्षेत्र में आगे जाती हैं वो किसी से छिपा नहीं है, वो सभी जानते हैं। आपकी सरकारी जो कार्य करने का समय सिर्फ 6-4 घंटे का होता है, किंतु आप 4 घंटा नहीं, आप अपना सर्वस्व जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा कई घंटे पूर्ण समर्पित कर देती हैं समाज के लिए। एक एक घर जाती हैं आप, ये हम सबों में से किसी से भी छिपा नहीं है, चाहे वो पंच बोलियों का काम हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का टीकाकरण किसी भी तरह का हो, आप एक जागृति लाती हैं विधवा पेंशन किसी तरह के पेंशन में सरकारी योजनाओं के अंतर्गत। इसलिए पटना और दिल्ली के 16 सरकार को चेतावनी देते हुए आपके आंदोलन का समर्थन करते हुए, मुकम्मल समर्थन करते हुए हम मांग करते हैं कि समय रहते पटना और दिल्ली की सरकार इनका जो 5 सूत्री मांग है, जो सरकारी कर्मचारी के दर्जा का मांग है, और इनका जो वाजिब और जायज न्यायोचित मांग है, उस मांग को पूरा करने का काम कीजिए, नहीं तो आने वाले दिनों में आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। प्रत्येक शुक्रवार की तरह शुक्रवार को भी दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार का जनता दरबार लगा। दरभंगा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र से फरियादी पहुंचे थे और उनकी काफी अच्छी संख्या में उपस्थिति देखने को मिली। जनता दरबार में आए हुए फरियादी जमीनी विवाद से संबंधित मामले की शिकायत, मारपीट से संबंधित शिकायत और अन्य शिकायत को लेकर पहुंचे थे। वहीं दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक ने अपने जनता दरबार में आए हुए फरियादियों को बुलाकर बारी बारी से उनकी शिकायतें और समस्याओं को सुना और उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। लगा हुआ था, लेकिन बिरौल थाना ने क्या किया, जो उस फाइल को केस को दबा दिया और कुछ भी नहीं किया 1 साल तक, और बाद में 1 साल के बाद फिर वही आदमी सब गैंग बना के फिर मारता है मेरे परिवार को, मेरे बेटी को भी हाथ फोड़ दिया जिसका मेरे पास था, और मुझे इस तरह से मारा गया था। क्या कुछ ऐसी बात हुई, क्यों मारपीट हुआ? बस मामूली सी बात लेके हुआ था, जो दूसरे से हंसी मजाक चल रहा था उसको लेके सुबह रात में हंसी मजाक हुआ था, और सुबह मेरे पर इसको गुरुकुल कोचिंग क्लास छोड़ने जा रहे थे उसी टाइम जो हमला। अभी एसपी साहब क्या मांग कर रहे हैं? एसपी साहब से यही मांग कर रहे हैं कि मेरे परिवार मेरे सदस्य को उन लोग जान से मारने की धमकी देता है, बार बार हमला करता है, बार बार घटना करता है मेरे साथ, तो विरोध करना होगा। नाम आपका? क्या नाम बाबा? प्रमोद पासवान। बहार संतोष शर्मा। मेरे बाप का नाम है राम बहादुर ठाकुर। अच्छा, रामचंद्र गवाही में था। क्या कह के जमीन दिखाया? हमरा कहे कि 2 दिन में हम जमीन के पैसा दे देंगे मम्मी पुल पर। अच्छा, नहीं दिया, एक दिन मांगेगा तो ये उठा के पटक दिया। कितना जमीन दिखा दिया था? 16 दो। अच्छा, कितना पैसा बोला था देंगे? 3,25,000। कुछ भी दिया पैसा? नहीं, एको पैसा नहीं दिया। आप क्या चाह रहे हैं? क्या करे, घर में बैठा रहते ना, तो वही एसपी साहब को देने आए हैं। अच्छा, मम्मी को 12 बाबू के फोटो कॉपी करा कर दिए, कह कि हम पैसा दिला देंगे, अभी तक नहीं वो दिलवाए। आप क्या चाह रहे हैं? आप क्या चाह रहे? घर ही पर रहते हैं। कहाँ? क्या नाम हुआ आपका? रामविलास ठाकुर। थाना कौन हुआ? मम्मी। रुद्र सावित्री माइंड फेस्ट 2023 प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन किया गया आर्ट एंड गैलरी दरभंगा स्टेडियम लहरियासराय में शुक्रवार को। वहीं आयोजित इस प्रतियोगिता में दरभंगा जिले के दर्जनों प्राइवेट सरकारी स्कूल से प्रतिभागी पहुंचे थे।
वहीं प्रतियोगिता परीक्षा देने को लेकर प्रतिभागियों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा था। सैकड़ों की संख्या में अलग अलग शिफ्ट में इन प्रतिभागियों का परीक्षा लिया गया। लेखन प्रतियोगिता से लेकर पेंटिंग प्रतियोगिता सहित अन्य कई प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आयोजित इस प्रतियोगिता में जो भी प्रतिभागी चुने जाएंगे ऐसे चुने हुए कई प्रतिभागियों को पुरस्कृत एवं सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार वितरण का समारोह शनिवार को किया जाएगा जिसमें कई गणमान्य लोग भी उपस्थित होंगे। प्रतियोगिता के संबंध में आयोजित समिति के कई सदस्यों से हमने बात की, क्या कुछ कहा इन लोगों ने, आइए आपको सुनाते हैं। ये दरभंगा माइंड फेस्ट 2023 है, सेकेंड एडिशन है, लास्ट ईयर भी ये कंडक्ट किया गया था। इसमें मैं इंडिया क्विज इवेंट के इवेंट इंचार्ज हूँ। इंडिया क्विज दो चरणों में होता है, एक लिखित परीक्षा होती है उसमें स्क्रूटनी किया जाता है बच्चों का, उसके बाद एक ओरल फिनाले क्विज का होता है जो कल है, उसमें जो विजेता होंगे ओरल में वही चयनित किए जाएंगे फाइनल राउंड में। कुल कितने प्रतिभागियों को चयनित किया जाएगा? इसमें इवेंट वाइज है, हर इवेंट वाइज एक बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है, तो बेस्ट को टॉप थ्री को 1, 2, 3 प्राइज दिया जाता है इसमें। एंड टॉप 10 जो चुने जाएंगे उन लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा? हाँ, उन लोगों को 1, 2, 3 रैंक वाले को पुरस्कृत किया जाएगा। जी सर, दरभंगा माइंड फेस्ट प्रतियोगिता 2023 का आयोजन चल रहा है, किस ओर से ये आयोजन है और कितने प्रतिभागी कौन कौन से स्कूल के हिस्सा ले रहे हैं? सावित्री दरभंगा माइंड फेस्ट का यह दूसरा संस्करण है, इसकी शुरुआत 2022 में की गई थी। पिछले साल हम लोगों के यहाँ लगभग 2000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, इस साल ये संख्या 2600 से 2800 के आसपास हो चुकी है। इसमें 10 इवेंट होते हैं अलग अलग, स्पेलिंग बी, क्रिएटिव राइटिंग, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, पेंटिंग होता है दो वर्गों में जिसमें कि आपकी क्लॉथ पेंटिंग भी है और पेपर पेंटिंग है, जनरल क्विज, इंडिया क्विज और क्रॉसवर्ड। इसमें सभी 18 जो प्रखंड हैं दरभंगा जिले के, उनके गैर सरकारी और सरकारी दोनों तरह के विद्यालयों की सहभागिता है और काफी बड़े स्केल पर हो रहा है ये, आप देख रहे हैं। और इसमें जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो मुझे लगता है कि लगभग 140-150 अलग अलग स्कूलों के बच्चों ने पार्टिसिपेशन इसमें ऑलरेडी किया हुआ है। और कल इसका समापन समारोह है इस कार्यक्रम का, लगभग 2 बजे के आसपास माननीय जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा सर हमारे मुख्य अतिथि हैं। ये पूरी जो प्रतियोगिता होती है, ये इसके जो चीफ मेंटर हैं वो हैं बिहार के विकास आयुक्त डॉक्टर विवेक कुमार सिंह, ये उनका ही विजन है और उनके ही मार्गदर्शन में ये पूरी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। और कल जब पुरस्कार वितरण समारोह है उसमें डॉक्टर विवेक कुमार सिंह भी होंगे हमारे मुख्य अतिथि के अलावा, और उनके अलावा कई वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स भी आएंगे जो कि बच्चों के इस पुरस्कार वितरण सह समापन समारोह में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। स्पेशली ये माइंड फेस्ट जो करवाया जा रहा है इसमें बच्चों को सर्वांगीण विकास के लिए, ये खासकर रुद्र सावित्री माइंड फेस्ट जो हम लोग लास्ट ईयर से स्टार्ट किए हैं और इसमें बच्चों को सभी विधाओं से, जैसे आप लोग को पता ही होगा कि जैसे हमारे पेंटिंग इंचार्ज बनाया गया है, हमारे तरफ से बच्चे का पेंटिंग और क्रिएटिव राइटिंग, हिंदी में बच्चे आज के डेट में बच्चे अशुद्धियों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, उन पर केयरिंग नहीं कर पा रहे हैं, जिस सब के वजह से ये कंपटीशन के माध्यम से उनको अलर्ट किया गया है, उनको आगाह किया जा रहा है कि आप वो अपने संशोधन, अपने राइटिंग को क्रिएटिव बनाइए, अच्छे बनाइए। पेंटिंग में अगर जिन बच्चों का अच्छा है तो उनको हम लोग एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म के जरिए बच्चे को बिहार लेवल पर जो है ऐसा एक मिलेगा जिसमें बच्चे अपना सर्वांगीण विकास के साथ साथ मेंटल एबिलिटी, उसके साथ साथ पेंटिंग एंड क्रॉसवर्ड ऐसे करवाए जा रहे हैं जिससे बच्चे का पढ़ाई के साथ साथ ये बहुत जरूरी हो गया आज के डेट में। कम्पिटेटिव मार्केट है, कम्पिटेटिव दुनिया है, इसमें बच्चे अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं राघवेंद्र कुमार और स्पेशली पेंटिंग इंचार्ज ऑफ दिस माइंड फेस्ट। दरभंगा जिले के लहरियासराय थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला बेलवागंज निवासी प्रदीप शाह के 26 वर्षीय पुत्र विकी कुमार की घटना को लेकर परिवार के कई सदस्य, अन्य कई लोग दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार से मुलाकात की शुक्रवार को। वहीं विकी कुमार घटना के संबंध में सभी सदस्यों ने मुलाकात कर बाहर निकले इन लोगों से हमने बात की तो उन लोगों ने कहा कि हम लोगों को SSP ने से आश्वासन मिला है कि हम लोग लगे हुए हैं, जल्द ही मामले का उद्योधन होगा।
वहीं दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक से मुलाकात करने वाले लोगों में विकी कुमार के पिता प्रदीप शाह, उनकी माता जी माला देवी, सतीश कुमार, मंजू देवी आदि लोग पहुंचे थे वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पर। जहां बीटीएन न्यूज ने विकी कुमार के माता पिता से बात की तो उन लोगों ने बीटीएन न्यूज से बात करते हुए बताया कि हम लोगों का बच्चा अभी सुरक्षित है, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा गया कि विकी कुमार का मर्डर हो गया है। उन्होंने कहा कि हम उसके पिता हैं और मेरी आत्मा कह रही है कि मेरा बेटा सुरक्षित है, आप लोग प्रयास कीजिएगा तो मेरा बेटा बरामद हो जाएगा। वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से आश्वासन मिला है कि हम लोगों का प्रयास जारी है, जो भी आरोपी इस घटना में शामिल है उन लोगों को घर पकड़ कर गिरफ्तारी की जाएगी। वहीं विकी कुमार घटना के मामले में परिवारजनों के लोगों ने कहा कि पुलिस प्रशासन की ओर से यह कहा गया है कि विकी कुमार की हत्या हो गई है, अगर हत्या हुई है तो उसकी बॉडी कहाँ है, हम लोगों को बॉडी चाहिए। इस घटना के संबंध में और भी मौजूद दूसरे व्यक्तियों से हमने बात की, क्या कुछ कहा उन लोगों ने, आइए आपको सुनाते हैं। एसएसपी सर से मुलाकात करके विकी कांड के संबंध में आए हैं, क्या कुछ आप लोगों ने यहाँ आए हैं, क्या आश्वासन मिला इसके साथ, क्या कहें? बोल रहे हैं सर, तो बोल रहे हैं कि हम लोग काम कर रहे हैं, आप लोग पासा धैर्य रखिए, आप लोग का काम हो रहा है, ऐसा नहीं समझिए कि हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। डीएसपी सर काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं, जो कुछ रिजल्ट आएगा हम आपको बताएंगे। आप लोग क्या अपना बात रखे, आप लोग को क्या मानना है, क्या लग रहा है? हम लोग को मानना है सर, जिसका नाम दिए हैं मेन, वो तो भागा हुआ है, उसको तो पकड़िए, आप लोग पकड़ करके उससे तो पूछताछ कीजिएगा, तभी तो कुछ बात है। हम लोग को मालूम चलता है कि वो है, यहाँ पे आया है, ये सर लोग कहते हैं कि वो है ही नहीं, अभी नंबर दिए हैं हम 3 जिस पे उसका बातचीत होता है। क्या लग रहा है और कितने लोग इस कांड में शामिल हैं? इसमें है अभी 8-10 आदमी है शामिल, लेकिन हमको नाम पता नहीं है। बेटा को हमने कैद करके रखा, बेटा को मेरा रखे हुआ है, लोग कैद करके कहीं पे रखे हुआ है, इसका क्षति नहीं हुआ है। तो कहीं से कुछ इस तरह का कोई प्रूफ आप लोग को मिला है? नहीं, कुछ भी नहीं मिला, तभी ना हम लोग दौड़ रहे हैं। अगर ये लोग कह रहे हैं कि मार दिया है तो कुछ तो प्रूफ दीजिएगा ना। बॉडी मिल पाया है? नहीं, न बॉडी मिला है। तलाशी कहीं अपने स्तर से भी तलाशी किए हैं, कहीं कुछ नहीं। कहाँ कहाँ? जहाँ बोला कोसी नदी में मार करके फेंक दिया, पूरा हम लोग को 10 किलोमीटर आगे तक जा करके देखे हैं, वहाँ पे कुछ नहीं मिला है। वहाँ का मोहल्ला का लोग का सब बोल रहा है कि लोकल आदमी की यहाँ पे ऐसा कोई बातें नहीं हुआ है। कब आप लोग गए थे? एक सप्ताह पहले गए थे। कुछ ऐसा? कुछ नहीं। तो यहाँ पे आश्वासन, हम क्या संतुष्ट रहेंगे, सब जगह से तो यही आश्वासन सुन रहे हैं कि हो रहा है, आपका काम हो रहा है, लेकिन कुछ रिजल्ट हम लोग को मिलेगा तब ना हम लोग जानेंगे। विक्की कुमार के कौन है? मम्मी है। कौन कौन लोग मिलने के लिए आप एसपी साहब से आप लोग मुलाकात करते हैं? मम्मी पापा है, मामा है, मौसी है, और यहाँ आगे है फिर जो 4 आदमी मिले हैं। अब विक्की कुमार घटना में आप अभी यहाँ एसएसपी से मिलके आए हैं, क्या आश्वासन मिला एसएसपी से? हम लोग कहाँ है उनको कि हमारा बच्चा अभी सुरक्षित है, प्रशासन के तरफ से कहा गया कि उसका मर्डर हो गया, लेकिन कोई प्रूफ वरूफ नहीं मिला, कोई बॉडी वॉडी रिकवरी नहीं हुआ। हम बाप है, हमारा आत्मा कह रहा कि मेरा बेटा सुरक्षित है, अभी आप लोग थोड़ा प्रयास कीजिएगा तो मेरा बेटा बरामद हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हम लोग प्रयास जारी है, आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए, कुछ दिन हम लोग हर आदमी को पकड़ने का कोशिश कर रहे हैं। आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, जो घटना हुई है उसमें क्या चाह रहे हैं? जो भी घटना उसका साफ, उसका जो अति होता है ना, क्लियरेंस हो, क्या घटना हो गया उसका भी। क्या आपके बच्चा का क्या नाम है? विक्की कुमार। कितना वर्षीय? 26। कहाँ के निवासी? बेलवा थाना लहरियासराय। अच्छा, आप कौन है? विक्की कुमार का पप्पा है। एसपी साहब से मुलाकात कर ली? जी, वो आश्वासन दिए कि कुछ दिन आश्वासन नहीं, हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं, घर आ जाएगा। किन मांगों को लेकर के आप यहाँ आए? विक्की 11 से न पता है, और हम लोग लगातार बड़ी अधिकारी जैसे एसपी साहब से मिले हैं, डीएम साहब से मिले हैं, डीएसपी साहब से मिले हैं, और लगातार थाना से तो मिल ही रहे हैं, लेकिन आज तक 11 तारीख से लेकर आज तक विक्की का 22 दिन हो गया है और कोई तरह का अता पता नहीं है। और अपराधी जो है लग रहा है कि कहीं ना कहीं लहरियासराय थाना प्रभारी के संरक्षण के कारण ये अपराधी पकड़ा नहीं रहा है, खुलियाम घूम रहा है। लेकिन पुलिस तो कह रही है विक्की की हत्या हो गई है, उसमें 3 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भी भेजा गया है, क्या मानते हैं अभी तक अपहरण के मामला में? हम लोग का कहना है, परिवार वाले का कहना है, समाज का कहना है, अगर विक्की की हत्या हुई तो विक्की का स्वर्ग चाहिए,
परिवार वाले को क्या प्रमाण दीजिएगा आपकी बेटी की हत्या हो गई, उस तो कुछ साबुत दीजिए आप। आज कहाँ आए हैं आप? आज अभी आए हैं SSP साहब के पास। कौन कौन लोग आए हैं? उनके परिवार के लोग, उनके माता पिता लोग और समाज के